गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। और आज एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेरा फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, फ्लैश मेमोरी एंड कैशे मेमोरी के बारे में। तो चलिए फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन के इस फर्स्ट लेक्चर को शुरू करते हैं। फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन, तो इस स्लाइड में सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है या फिर फिजिकल डेटा स्टोरेज क्या है। तो फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन में जो है, डेटाबेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड एज फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स। तो फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है फाइल्स और रिकॉर्ड्स के फॉर्म में। तो फाइल का मतलब यहाँ पे जो है टेबल है। तो टेबल का मतलब कि जो है कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन अलग-अलग फाइल्स में स्टोर होती है। तो उन्हीं फाइल्स को डेटाबेस में टेबल्स बोलते हैं। और उस टेबल्स में भी कंपनी की जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स के फॉर्म में स्टोर होती है। तो कैसे, लेट सपोज हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल तो आपका फाइल नेम हो गया, बट उस एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, वो रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर होगी, क्योंकि उस एम्प्लॉय टेबल में एक प्राइमरी की वाला कॉलम होगा। लेट सपोज एम्प्लॉय आईडी एक प्राइमरी की वाला कॉलम है। तो हर एम्प्लॉय की एक एम्प्लॉय आईडी होगी, और उस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन उस टेबल में स्टोर होगी। तो उसी को हम रिकॉर्ड बोलते हैं, मतलब हर एम्प्लॉय आईडी पर एक रिकॉर्ड क्रिएट होती है। लेट सपोज एम्प्लॉय आईडी 101 है, तो 101 का पूरा एक रिकॉर्ड हो गया। एम्प्लॉय आईडी 102 है, तो 102 का एक रिकॉर्ड हो गया। एम्प्लॉय आईडी 103 है, तो 103 का पूरा एक रिकॉर्ड हो गया। तो रिकॉर्ड के फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन टेबल में स्टोर होती है। अब लेट सपोज कि मुझे एक अनिल नाम के एम्प्लॉय की मुझे सैलरी अपडेट करनी है। सैलरी 12,000 से 15,000 करनी है। तो अनिल नाम की सैलरी, अनिल नाम के एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट करने के लिए मुझे एम्प्लॉय आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्योंकि उसी एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हम उस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उस एम्प्लॉय आईडी यानी कि अनिल नाम के एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी को लेकर ही मैं उसकी सैलरी को 12,000 से 15,000 कर सकता हूं। तो कुल मिला जुला करके मैंने क्या समझाया कि कंपनी की इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है, या उसको हम डेटाबेस भी बोल सकते हैं, तो कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको फाइल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, मतलब फाइल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। और फाइल्स का मतलब कि डेटाबेस में फाइल्स को टेबल्स बोलते हैं। और उस टेबल में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो रिकॉर्ड्स के फॉर्म में स्टोर होती है। उसके बाद इन इंफॉर्मेशन को अगर हम कंप्यूटर में फिजिकली स्टोर करने की बात करें, तो फिजिकली ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे कैसे स्टोर होती है? तो फिजिकली ये स्टोर होती है स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर। तो स्टोरेज डिवाइसेस कौन-कौन से होते हैं? तो स्टोरेज डिवाइसेस आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हो सकती है, या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हो सकती है। और उसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस को हम ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। अब जो है इन इंफॉर्मेशन को अगर हमें कंप्यूटर पे स्टोर करके रखना है, तो वो सेकेंडरी या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में ही क्यों इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखने की ज़रूरत पड़ती है? उसको हम मेन मेमोरी में भी तो स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऑल डेटा इज प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन या सारा डेटा जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, वो डेटा जो है कैन नॉट रिसाइड इन द मेन मेमोरी। वो डेटा मेन मेमोरी में
स्टोर नहीं हो सकता है, रिसाइड नहीं कर सकता है, बिकॉज क्योंकि मेन मेमोरी इज स्केयर्स रिसोर्स, कि मेन मेमोरी जो है उसमें स्पेस कम होता है, इन विच जिसमें बिग प्रोग्राम्स एंड लार्ज डेटा कैन नॉट स्टोर इन, जिसमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स या लार्ज डेटा स्टोर नहीं हो सकते हैं। तो इसके बाद जो है, ए रिकॉर्ड इज फेच्ड फ्रॉम सेकेंडरी डिस्क टू मेन मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो इसके बाद क्या होता है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से रिकॉर्ड को, इन्फॉर्मेशन को फेच किया जाता है मेन मेमोरी में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। और ऐसा कौन करता है? फाइल मैनेजर। तो द फाइल मैनेजर यूजेस ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर टू क्विकली आइडेंटिफाई द पेज दैट कंटेन्स ए डिजायर रिकॉर्ड एंड देन इट इश्यूज ए रिक्वेस्ट फॉर द पेज टू बफर मैनेजर। तो फाइल मैनेजर क्या करता है? फाइल मैनेजर क्या करता है? ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है ताकि वो क्विकली आइडेंटिफाई कर सके उस पेज को जिस पेज पे डिजायर रिकॉर्ड जो है स्टोर करता है। एंड देन उसके बाद फाइल मैनेजर क्या करता है? एक रिक्वेस्ट को इश्यू करता है, एक रिक्वेस्ट को भेजता है पेज के लिए, किसके पास? बफर मैनेजर के पास। उसके बाद बफर मैनेजर क्या करता है? द बफर मैनेजर फेचेस ए रिक्वेस्टेड पेज फ्रॉम डिस्क इनटू ए रीजन ऑफ मेन मेमोरी कॉल्ड द बफर पूल एंड टेल्स द फाइल मैनेजर द लोकेशन ऑफ रिक्वेस्टेड पेज। तो बफर मैनेजर क्या करता है? बफर मैनेजर जो है रिक्वेस्टेड पेज को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से फेच करता है, ले करके आता है और ला करके उसको मेन मेमोरी वाले एरिया में छोड़ देता है, जिसको बफर पूल या बफर कैशे भी कहते हैं। और वही बफर मैनेजर जो है, वही बफर मैनेजर फाइल मैनेजर को जो है रिक्वेस्टेड पेज का जो है लोकेशन भी बता देता है। कैटेगरी ऑफ फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस। तो जो है फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस की कौन कौन सी कैटेगरी होती है? तो इसकी तीन कैटेगरी होती है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और टेरिटरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में ही फोकस करेंगे। सेकेंडरी और टेरिटरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है, इसके बाद जो दूसरा वीडियो लेक्चर आएगा उस दूसरे वीडियो लेक्चर में जो है फोकस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में देखते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर। तो जितनी भी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं प्रोसेसर के द्वारा। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती है? तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपका मेन मेमोरी आता है, फ्लैश मेमोरी है, उसके बाद कैशे मेमोरी है। तो मेन मेमोरी के अंदर भी जो है आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद रैम की भी दो कैटेगरी है, डायनेमिक रैम जिसको डी रैम बोलते हैं, स्टैटिक रैम जिसको एस रैम बोलते हैं। तो ये सारे जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस है जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल है प्रोसेसर के द्वारा। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर एक्टिव एग्जीक्यूशन प्रोग्राम डेटा एंड पोर्शन ऑफ द सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम दैट आर बीइंग प्रोसेस। तो जितने भी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, तो उन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में किस तरह का डेटा जो है स्टोर होता है? तो एग्जीक्यूट होने वाला डेटा, एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्राम, एग्जीक्यूट करने वाला डेटा और सिस्टम को प्रोग्राम, सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम
के जो पोर्शन होते हैं, यानी कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला जो प्रोग्राम होता है उसका पूरा पोर्शन, छोटा पोर्शन, ये सारे पोर्शन, ये सारे डेटा, ये सारे एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम्स ही प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होते हैं, जो कि आगे फिर इनको प्रोसेस किया जाता है। तो एज सुन एज प्रोग्राम टर्मिनेट्स, इट्स मेमोरी बिकम्स अवेलेबल फॉर यूज बाय अदर प्रोसेसेस। तो जैसे ही प्रोग्राम्स टर्मिनेट हो जाता है, जैसे ही टास्क कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही एग्जीक्यूशन वाले प्रोग्राम, डेटा या पोर्शन ऑफ सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम, जैसे ही ये सारे प्रोसेस्ड हो जाते हैं, प्रोसेस हो जाता है इनका, तो क्या होता है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस वाली जो मेमोरी है वो मेमोरी जो है अवेलेबल हो जाता है यूज के लिए फिर दूसरे प्रोसेसेस के लिए, दूसरे टास्क के लिए। तो जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस है दे आर फास्टेस्ट, वो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होते हैं और कॉस्टलियस्ट स्टोरेज मीडिया होते हैं, यानी कि अगर आप रैम, रोम, डी रैम, एस रैम या फिर जो है अदर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो ये सारे बहुत ही कॉस्टलियस्ट स्टोरेज मीडिया है। दे प्रोवाइड वेरी फास्ट एक्सेस टू डेटा। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है डेटा को एक्सेस जब ये करते हैं तो बहुत फास्ट एक्सेस करते हैं। दे आर वोलेटाइल इन नेचर, दैट मीन्स दे लूज देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर टू मेमोरी इज स्विच ऑफ। तो वोलेटाइल का मतलब है कि जब तक आपका कंप्यूटर चलेगा तब तक तो वो मेमोरी में वो डेटा रहेगा, बट जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाता है या स्विच ऑफ हो जाता है तो उस मेमोरी से इंफॉर्मेशन या वो कंटेंट्स डिसअपियर हो जाता है, हट जाता है। तो ये था प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में जो फर्स्ट डिवाइस है वो है मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी जो है, द ऑपरेशन ऑफ मेन मेमोरी इज वेरी फास्ट। तो मेन मेमोरी का जो ऑपरेशन है, काम है, वो बहुत फास्ट काम होता है। इट इज टिपिकली मेजर्ड इन टेंस ऑफ नैनो सेकेंड्स, इसके काम को मेजर किया जाता है टेंस ऑफ नैनो सेकेंड्स में। डेटा और प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन इट फॉर इमीडिएट प्रोसेस। तो मेन मेमोरी के अंदर डेटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है ताकि जल्दी से एक्सेस, यानी कि जल्दी से प्रोसेस हो सके। डेटा और प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन इट फॉर इमीडिएट प्रोसेस। तो डेटा और प्रोग्राम को इसमें स्टोर किया जाता है ताकि तुरंत प्रोसेस हो सके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो मेन मेमोरी को हम इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज या फिर शॉर्ट में IAS डिवाइस भी बोलते हैं। तो ये जो IAS, इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU में ये लोकेटेड होता है। और रेलिवेंट डेटा और प्रोग्राम आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। तो जो है इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज जो है, मेन मेमोरी जो है वो आपका CPU में लोकेटेड होता है, CPU में लगा हुआ होता है। और रेलिवेंट डेटा या प्रोग्राम, यानी कि जिस भी इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस करना है, वो इंफॉर्मेशन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से ट्रांसमिट किए जाते हैं मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए, जो इसके हमने पिछले स्लाइड में देखा था। तो अब देखते हैं कि मेन मेमोरी जो है वो कितने टाइप्स की होती है, मतलब इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस वो कितने टाइप्स की होती है। तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज। तो इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज जो है वो दो अलग-अलग टाइप्स की होती है। तो पहले को हम बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी भी आगे चल के दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। तो टू टाइप्स ऑफ रैम,
पहले को बोलते हैं डायनेमिक रैम, डी रैम, और दूसरे को बोलते हैं स्टैटिक रैम यानी कि एस रैम। तो इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस जो है वो दो है, पहले को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, और ये रैम फिर आगे चल के डी रैम और एस रैम में डिवाइड हो जाता है, और दूसरे को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी रोम। फ्लैश मेमोरी, तो फ्लैश मेमोरी जो है इट इज ऑल्सो ए प्राइमरी मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी जो है ये प्राइमरी मेमोरी भी है, दैट मीन्स कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में जो है मेन मेमोरी के अलावा जो दूसरी मेमोरी आती है उसको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। तो इट इज ईईपी रोम, इसको ईईपी रोम भी बोलते हैं। तो ईईपी रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी इज एज फास्ट एज द मेन मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी जो है इतना फास्ट होता है जितना कि मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड ओनली मेमोरी रोम। तो डेटा टू फ्लैश मेमोरी कैन बी रिटर्न वंस एंड कैन नॉट बी ओवर रिटर्न अगेन डायरेक्टली। तो डेटा जो फ्लैश मेमोरी में रिटर्न है, ठीक है, डेटा जो फ्लैश मेमोरी में एक बार राइट हो गया उसके बाद उसको डायरेक्टली ओवर राइट नहीं किया जा सकता है। द एंटायर बैंक ऑफ फ्लैश मेमोरी हैज टू बी इरेज्ड एट वंस ओवर राइट अगेन टू फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी के ऊपर जब डेटा को ओवर राइट करते हैं तो जो है पहले का डेटा जो है तुरंत इरेज हो जाता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा मेमोरी डिवाइस, ये एक प्रकार का डेटा मेमोरी डिवाइस है दैट यूजेस एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करता है टू इरेज, मिटाने के लिए या फिर लिखने के लिए डिजिटल डेटा को। तो डिजिटल डेटा को जो भी हम डिजिटली इनपुट करते हैं डेटा को, तो उन डेटा को ये लिखने के लिए, राइट करने के लिए या उन डेटा को इरेज करने के लिए फ्लैश मेमोरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करता है। नेक्स्ट जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में नेक्स्ट मेमोरी जो हमारे पास है वो है कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी का क्या काम है देखते हैं। तो इट इज़ ए स्मॉल स्टोरेज, ये एक छोटा स्टोरेज है दैट प्रोवाइड्स ए बफरिंग कैपेबिलिटी। ये बफरिंग कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो इट इज़ यूज इन कंजक्शन विद मेन मेमोरी, तो ये मेन मेमोरी के साथ मिलकर के काम करता है, मतलब मेन मेमोरी को ये बफरिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कैसे, इट इज यूज्ड इन कंजक्शन विद मेन मेमोरी इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस अच्छी हो सके इसलिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से सीधे डेटा या इंफॉर्मेशन उठ करके मेन मेमोरी में नहीं आती है, बल्कि वो उठ करके आती है किसमें, कैशे में। तो ये कैशे एक बफरिंग कैपेबिलिटी का काम करता है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से डेटा या इन्फॉर्मेशन उठ करके कैशे में आती है, और कैशे से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन उठ करके मेन मेमोरी में जाती है ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। तो इसी को बोला गया है बफरिंग कैपेबिलिटी, यानी कि कैशे जो है स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है जो एक बफरिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कैशे इज हाई स्पीड स्टोरेज, कैशे इज हाई स्पीड स्टोरेज मच फास्टर देन द मेन मेमोरी स्टोरेज। तो कैशे एक हाई स्पीड स्टोरेज है जो मेन मेमोरी स्टोरेज से भी ज़्यादा फास्टर होता है, बट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एज कंपेयर्ड विद मेन स्टोरेज। तो मेन स्टोरेज या मेन मेमोरी स्टोरेज की
मेन मेमोरी स्टोरेज से इसकी अगर तुलना करें, कंपेयर करें, तो कैशे मेमोरी जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होती है। तो फिजिकल डेटा स्टोरेज का मेरा ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है, और इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हमने प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात की है। अब जो सेकेंड वीडियो लेक्चर जो आएगी, उस सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम सेकेंडरी और टेरिटरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।